good morning students this is science video we were doing simple machine and uh, i have finished with the pulley and wheel uh, and axle and wedges clear so i am going to uh, tell you about energy today and uh, you will get to know about the wind energy solar energy uh, fuel energy right and water energy so these are the four energies we are going to conclude in this video and uh, today we will finish it off with the energy clear and uh, your homework will be to write down summary and keywords of this chapter in your classwork copy so tomorrow i'm going to see that your summary and keywords in your classwork copy clear after that we will start with the exercises part and uh, let's discuss about the sorry let's talk about the energy means um, sun energy that is solar energy wind energy water energy and fuel fuel i will talk about the later on in the video clear so come to the page number 88 and 89 in your science book so this is page number 88 and we will talk about the energy in this video and we will finish off with this chapter today itself right so uh, today's video will be a bit long so listen it carefully and later on you have to read all these paragraph and if you have any problem then you can ask clear so let's begin with the energy we need energy to do everything like walking टॉकिंग वर्किंग प्लेइंग यू नीड एनर्जी इन एवरी फील्ड मीन्स कुछ भी काम करना है तो एनर्जी चाहिए चाहिए है ना एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क किसी भी काम को करने के लिए कुछ एनर्जी लगती है या फिर जो अंदर से जो ताकत आती है उसी को क्या बोलते हैं एनर्जी बोल देते हैं क्लियर

खाना बनाने के लिए भी, भी वो क्या किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं सन का या फिर सनलाइट का इज इट क्लियर सो द फूड हैज एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी जो भी खाना स्टोर होता है फ्रूट में स्टोर हो जाता है किसी रूट्स में स्टोर हो जाता है जब मैंने प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था तब समझाया था कि जो भी खाना होता है वो प्लांट uh, अपने खाने को स्टोर कहाँ करता है फ्रूट में स्टोर कर लेता है मोस्टली फ्रूट्स में ही स्टोर होते हैं लेकिन स्टेम में कोई यूज हो जाता है जो हम खाते हैं प्लांट का जितना भी पार्ट हम खाते हैं चाहे वो लीफ हो चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो इन सब को वो स्टोर करता है वो उसी के अंदर उसका खाना होता है सो दे चेंज इंटू दे चेंज देयर फूड इंटू केमिकल एनर्जी वो अपने खाने को किस में चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में इज इट क्लियर सोना सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू कुक फूड यूजिंग सोलर कुकर्स ये सोलर कुकर है जब आपके यहाँ लाइट नहीं होगी या फिर बड़े बड़े जगहों पे सोलर कुकर का यूज किया जाता है जहाँ पे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इससे क्या होता है सनलाइट इस मिरर पर पड़ती है ये एक बॉक्स तरीके का होता है ये ब्लैक बॉक्स होता है काला ब्लैक बॉक्स ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि ब्लैक क्या करता है हीट को एब्जॉर्ब करता है ठीक है तो ब्लैक जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा तो इस वजह से ब्लैक रखा जाता है इसका कलर ठीक है इसका कलर कोई और कलर नहीं होता है ब्लैक ही होता है और उसके जो फ्रंट पे है ये मिरर लगा हुआ है ये देख रहे होंगे ध्यान से तो इट विल शो लाइक अ मिरर मिरर क्या करता है सनलाइट को सनलाइट अगर इधर से आ रही है तो सनलाइट इधर जाएगी और टकरा के सीधा नीचे जाएगी क्योंकि मिरर में क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या है फूड है ये आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं दो यहाँ पे आप पानी उबाल सकते हो राइस आपकी दाल उबल सकती है ठीक है तो यहाँ पे खाना प्रॉपरली बन जाता है जो सनलाइट की हेल्प से बनता है सनलाइट ऊपर जैसे यहाँ मिरर में आती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होके खाने के ऊपर जाती है तो खाने के ऊपर जा, जैसी जाती है तो ज्यादा हीटअप हो जाता है इसीलिए वो खाना वहां पे बन जाता है या फिर गर्म हो जाता है ठीक है सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू कुक फूड यूजिंग सोलर कुकर्स इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सोलर पैनल्स और सोलर पैनल आपने देखे होंगे घर के ऊपर छत पे लगाए जाते हैं वहां पे एक सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि सनलाइट से ऑब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें तो वो क्या होता है सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ गया तो कैसे हम चीजों को चेंज कर रहे हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोलर एनर्जी किसमें चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी में खाना केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना उसमें लेकिन जो छत पे हम सोलर पैनल लगाते हैं वो सोलर कि एनर्जी किस पे चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इज दैट क्लियर सो हाउ सोलर एनर्जी कैट कन्वर्ट इन टू अ डिफरेंट एनर्जीज राइट दीज आर दू एक्साम्पल्स विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इंटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज क्लियर नाउ वी विल टॉक अबाउट विंड आप लोग बहुत ही खुले वाले एरिया में जब जाते हैं बहुत जब बहुत ही वास्ट एरिया देखते हैं तो वहां पे विंड मिले देखे होंगे As इस तरह के पंखे वाले तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड हवा जो बहती है उसको हम क्या बोलते हैं विंड बोलते हैं विंड एनर्जी टर्न्स द ब्लेड ऑफ द विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ये विंड मिल क्या करती है कैसे काम करती है विंड जैसी बहती है हवा जैसी बहती है ये इसके जो पंखे होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं तो वो विंड के साथ ही घूमते हैं जितना तेज विंड होगी उतना तेज ये घूमेगा क्लियर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कन्वर्ट की जा सकती है ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर नीचे से अगर कोई पानी निकालना है तो वो ड्रेनिंग का भी काम किया जाता है इसी के थ्रू या फिर पानी को निका, वहां से निकालने का काम होता है अंडरग्राउंड वाटर तो पता ही होगा कि जमीन के नीचे भी पानी है तो जमीन के नीचे खुदाई चलती है तो खोदने के बाद देखेंगे कि वो वाटर टेबल आपका दिखने लग जाता है तो वाटर निकालने के लिए भी विंड मिल का ही इस्तेमाल किया जाता है और टू ग्राइंड ग्रेन्स इन फ्लोर ग्रेन्स को चक्की में चक्की जानते होंगे जिसमें गेहूं पीसते हैं और फिर वो आटा निकलता है तो विंड मिल उसमें के भी काम आती है ठीक है अब इसको डिटेल में अगर पढ़ने जाए तो फिर एक एक चीज समझानी पड़ेगी तो आप वीडियोस देख लीजिएगा बाकी मैं फिर समझा दूंगी उसमें ठीक है अब वाटर की बात करें तो वाटर में सबको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो चलते हैं सो मूविंग वाटर प्रोसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी डैम्स आर बिल्ड टू यूज द एनर्जी ऑफ द वॉटर डैम्स यूज होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं पानी को एक जगह पे रोक कर रखते हैं द वॉटर स्टोर इन डैम्स इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट ऑन टर्बाइंस ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टर्बाइंस लगी हैं। टर्बाइंस क्या होती हैं? वो पानी के फ्लो के साथ घूमती हैं। जितना तेज पानी का बहाव होगा उतना ज्यादा वो टर्बाइंस घूमेंगी ठीक है so, सो द वॉटर स्टोर इन अलाउज द फॉल जितनी हाइट पे वो डैम बना होगा हो उसी से उतने वहाँ से नीचे से जब ऊपर से गिरेंगी वो फॉल होती हैं मतलब पानी पूरा ऊपर से नीचे तक जैसी जितनी हाइट में आता है वो क्या करता है टर्बाइन को घुमाता है एज अ रिजल्ट टर्बाइन रोटेट एंड हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं क्लियर सो दिस इज द का वर्क ऑफ वॉटर एनर्जी नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूल्स नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूल्स यू फर्स्ट थिंक कम टू योर माइंड एज कोल पेट्रोल डीजल दिज आर द फ्यूल्स फ्यूल क्या होता है जो आग को या फिर किसी भी चीज को एक सपोर्ट दे जो चेंज कर देता है क्या हीट को या फिर पावर को प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है सबस्टेंसेस लाइक कोल पेट्रोल डीजल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सी एनजी कैरोसिन एंड वुड आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर आर कॉल्ड फ्यूल्स ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट और पावर प्रोड्यूस करते हैं गर्माहट और पावर प्रोड्यूस करें उसको हम फ्यूल्स बोल देते हैं ऑल द व्हीकल्स लाइक कार एंड बसेस यूज टू फ्यूल टू मूव सारी बसेस या कार सारे व्हीकल्स क्या यूज करते हैं फ्यूल यूज करते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके आपकी जो कार है अगर उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगी है ना तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए जैसे आप खाना खाते हैं आपको एनर्जी के लिए क्या चाहिए खाना चाहिए वैसे ही कार को एनर्जी के लिए क्या चाहिए फ्यूल चाहिए ठीक है फ्यूल आर यूज फॉर कुकिंग ऑल्सो आपने फ्यूल देखा होगा जो सी आपके घर में लगे सॉरी एलपीजी आपके घर में लगी हुई है गैस सिलेंडर्स वो क्या है फ्यूल ही है एक तरह का ठीक है एनर्जी कैन बी चेंज इन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है ठीक है ऐसे विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते सन को भी हम चेंज कर सकते हैं ठीक है थीके? इलेक्ट्रिसिटी में तो ऐसी ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है इन्हें बल्ब में देखा होगा इलेक्ट्रिक जाता है लेकिन वो लाइट में बदल जाती है है ना आप जैसे स्विच ऑन करोगे वैसे ही स्विच ऑन करने से क्या हुआ इलेक्ट्रिक का फ्लो हुआ है लेकिन वहां पे बल्ब जल गया है. समझ गए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है इलेक्ट्रिसिटी यहां से चालू होती है और वहां पे बल्ब जलाती है तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिक आयन इलेक्ट्रिक आयन चेंज इनटू हीट एनर्जी आयनिंग करते हैं कपड़ों के ऊपर प्रेस करते हैं ना तो प्रेस में क्या होता है इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी में प्लग लगाते हैं है ना और फिर स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक पहुंचती है वायर के थ्रू और वो इलेक्ट्रिक चेंज एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में समझ में आ गया सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल्स और फ्यूल्स कोई भी डाउट है इसमें तीनों में सन विंड वाटर एंड फ्यूल तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे ठीक है एंड योर होमवर्क इज टू राइट डाउन समरी एंड कीवर्ड्स टूमारो इज संडे सो यू विल डू इट एज अ होमवर्क द समरी सॉरी दीज आर द कीवर्ड्स एंड दिस वन इज समरी यू हैव टू डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपी एंड शो इट टू मी ऑन Monday. Clear? Thank you so much.